हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में। क्या होता है यूट्राइन प्रोलैप्स? यूट्राइन प्रोलैप्स, जिसे कि हम साधारण भाषा में बच्चेदानी का नीचे खिसक जाना भी बोलते हैं, यानी कि बच्चेदानी खिसक के नीचे की तरफ खिसक गई है। तो क्यों बच्चेदानी नीचे की तरफ खिसक जाती है, क्या क्या तकलीफ़ होती है इसके कारण, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये खिसके ही ना, यह तकलीफ़ आप में डेवलप ही ना हो, और अगर डेवलप हो गई है तो क्या इसका इलाज है, इन्हीं सब के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि बच्चेदानी का नीचे खिसक जाना, यानी कि नॉर्मली जो बच्चेदानी की जो पोजीशन होती है पेट के निचले हिस्से में, पेल्विस के अंदर, वहाँ से वह बच्चेदानी थोड़ी नीचे की तरफ खिसक गई है, वेजाइना के अंदर थोड़ी नीचे की तरफ आ गई है। यह नीचे थोड़ा नीचे भी हो सकता है और ज़्यादा भी नीचे हो सकता है। इसकी ग्रेडिंग होती है 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree की वो कितना खिसका है। हो सकता है कि सिर्फ इतना खिसका हो कि आपको एक सेंसेशन आ रहा है, एक फीलिंग आ रही है कि कुछ नीचे खिसका हुआ है, या फिर ये इतना भी हो सकता है कि आपको बच्चेदानी बाहर की तरफ नजर भी आ जाए। तो ये बच्चेदानी नीचे क्यों खिसक जाती है? क्या होता है, जब पेल्विक फ्लोर्स के जो मसल्स होते हैं, निचले हिस्से के जो मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वह वीक हो जाते हैं या उनकी इंजरी हो जाती है, तो जो बच्चेदानी का जो सपोर्ट होता है वह कम हो जाता है और बच्चेदानी नीचे की तरफ खिसक जाती है। तो पेल्विक फ्लोर के मसल्स, लिगामेंट्स, ये स्ट्रेच क्यों हो जाते हैं, क्यों ये सपोर्ट कम हो जाता है, या क्यों इनकी नीचे क्यों इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वह क्यों कम हो जाती है? उस स्ट्रेंथ का कम होने का जो, या फिर बच्चेदानी नीचे खिसकने का जो मुख्य वजह है, वह होती है डिलीवरी के दौरान होने वाली निचले हिस्से के अंदर इंजरी। नॉर्मली क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीकन हो जाती हैं, और जब डिलीवरी होती है, स्पेसिफिकली जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, और डिलीवरी हर डिलीवरी में पेल्विक फ्लोर के मसल्स पूरी तरह से टॉन हो जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत होना तो होगा ही, थोड़ा बहुत इंजरी पेरिनल एरिया की तो होगी ही, क्योंकि बच्चे का सिर इतना बड़ा है, वजाइना पतला सा एरिया है, छोटा एरिया है, तो वहाँ से बच्चे का सिर आएगा तो थोड़ा ट्रॉमा तो होगा ही। पर अगर आपकी डिफ़िकल्ट डिलीवरी है, यानी कि बच्चा बहुत मुश्किल से पैदा हो रहा है, यानी कि आपकी जो सेकेंड स्टेज है डिलीवरी की, लेबर की, वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो रही है, यानी कि बच्चे का सर फंसा हुआ है, बच्चा मुश्किल से डिलीवर हो रहा है, बच्चे का साइज़ थोड़ा अधिक है आपका पेल्विस के कंपैरिजन में, या फिर बच्चा इतनी मुश्किल से हो रहा है कि वो अपने आप आ ही नहीं रहा है और हमें फोर्सेप्स लगा के बच्चे को निकालना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में नीचे वाले हिस्से का जो लिगामेंट्स और मसल्स का ट्रॉमा होता है वह थोड़ा अधिक होता है, और लॉन्ग रन में ऐसी महिलाओं में प्रोलैप्स डेवलप होने की, यानी कि बच्चेदानी के नीचे खिसकने की जो समस्या है वह अधिक आती है। ये ट्रॉमा डेवलप तो डिलीवरी के बाद ही हो जाता है, लेकिन इसका असर जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके बाद पता चलता है, जब काफ़ी साल निकल जाते हैं, या फिर जब आप मीनोपॉज के पास पहुंचती हैं, क्योंकि मीनोपॉज पर जब आप पहुंचती हैं तो क्या होता है, बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और नीचे का जो कोलेजन टिश्यू है उसका लेवल भी कम हो जाता है ईस्ट्रोजन कम होने के कारण, तो ये जो प्रोलैप्स होता है ये ज़्यादा एविडेंट होता है, यानी कि तो अब आपको ये समस्या ज़्यादा फील होती है, तब आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है। कभी कभी कुछ महिलाओं में लंबे समय से खांसी की तकलीफ़ होती है, ब्रोंकाइटिस होता है, यानी कि कई कई महीनों तक खांसी चलती रहती है, तो उनमें भी यह प्रोलैप्स होने की संभावना अधिक होती है। किसी किसी महिला को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, अगर कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है तो आपकी बच्चेदानी उस कॉन्स्टिपेशन के कारण भी नीचे खिसक सकती है, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन बहुत अधिक होता है और आप स्टूल पास करने के लिए काफ़ी जोर लगाते हैं, तो उस जोर के साथ में, स्टूल पास होने के साथ में बच्चेदानी पर भी थोड़ा असर पड़ता है, वह भी थोड़ी नीचे खिसकती है। एक दिन में फ़र्क नहीं पड़ जाता, एक दो दिन में, लेकिन जब ये बरसों तक चीज़ चलती रहती है तो लॉन्ग रन में जाके बच्चेदानी थोड़ी नीचे सरक जाती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है जिसमें कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो थोड़े वीकन होने की फैमिली हिस्ट्री है, तो भी प्रोलैप्स की संभावना थोड़ी अधिक रहती है। अगर आपका बॉडी का वेट, वज़न थोड़ा ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो भी प्रोलैप्स होने की संभावना अधिक है। स्मोकिंग भी प्रोलैप्स की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको बढ़ा देता है।
तो ये यूजुअली ये कारण होते हैं जिससे कि प्रोलैप्स होने की जो संभावना है, बच्चेदानी के नीचे खिसकने की जो संभावना है वह थोड़ी अधिक हो जाती है। अब बच्चेदानी नीचे खिसकती है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको? डेफिनेटली एक तो नीचे पेट के निचले हिस्से में कुछ भारीपन की फीलिंग रहती है, यानी कि नीचे कुछ भार जैसा है ऐसा लगता है। महिलाएं बहुत कॉमनली बैकिक की भी कंप्लेन करती हैं, यानी कि कमर दर्द होती रहती है, क्योंकि जब यूट्रस नीचे खिसकता है तो उसके जो लिगामेंट्स होते हैं वह भी खिंचा जाते हैं, और लिगामेंट्स के खिंचाने के कारण कमर में दर्द होता है। तो महिलाएं एक तो कंप्लेन करती हैं कि पेट के निचले हिस्से में भार जैसा लगता है, वजन जैसा लगता है, दर्द होता है, कमर दुखती है, ये दर्द पैरों तक भी रेडिएट हो सकता है, यानी कि पैरों में भी लंबे समय तक इसके कारण दर्द रह सकता है। यूरिन के अंदर तकलीफ आ सकती है, यूरिन पास होना डिफ़िकल्ट हो सकता है, यानी कि यूरिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यूरिन लीक ही हो जाए, यानी कि अपने आप से स्वतः ही यूरिन लीक हो जाए, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। कभी कभी इसके कारण स्टूल्स के अंदर भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्टूल पास करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। जब ये प्रोलैप्स बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि बच्चेदानी ज़्यादा ही नीचे खिसक जाती है, तो चलना फिरने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि चलने में पैरों के बीच में जब वो बच्चेदानी आती है तो चलने में भी डिस्कम्फर्ट होता है। फिजिकल रिलेशनशिप में भी डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। तो इन्हीं सभी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है अगर आपकी बच्चेदानी नीचे खिसक गई है। अब अगर बच्चेदानी नीचे खिसक गई है तो हमारे पास इसका क्या समाधान है? हम इसके लिए आपको एक तो एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। अगर हल्की फुल्की बच्चेदानी नीचे खिसकी है तो आप कीगल एक्सरसाइजेस की कर सकती हैं। कीगल एक्सरसाइजेस या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जिसमें कि निचले हिस्से को अंदर की तरफ खींचा जाता है, 5 से 10 तक की काउंटिंग की जाती है और छोड़ दिया जाता है। वापस निचले हिस्से को अंदर तक खींचा जाता है, 5 से 10 की काउंटिंग की जाती है और छोड़ दिया जाता है। ऐसे 10-10 के दिन में 3 से 4 बार आपको रिपीट करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप करें उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये कीगल एक्सरसाइजेस जो हल्का फुल्का प्रोलैप्स है उसमें यूज़फुल होती है, लेकिन अगर बच्चेदानी पूरी ही बाहर आ गई है या काफ़ी ज़्यादा है प्रोलैप्स तो ये एक्सरसाइजेस काम नहीं करती हैं, और इसके लिए किसी प्रकार की दवाई से भी कोई खासा रिलीफ नहीं आता है, तो फिर हमको इसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में अलग अलग प्रकार की सर्जरी रहती है। अगर आपकी उम्र कम है तो इसके सस्पेंशन प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि उसको ऊपर टांग दिया जाता है, ऐसी सर्जरी भी होती है। अगर आपकी उम्र 40 से अधिक है, आपकी फैमिली कंप्लीटेड है और फिर आपको ये समस्या आ रही है, तो नीचे से जो बच्चेदानी निकालने का प्रोसीजर होता है, जैसे कि हम वेजाइनल हिस्टरेक्टमी कहते हैं, वह किया जाता है, और उसी के साथ में इंटीरियर और पोस्टीरियर रिपेयर भी किया जाता है, यानी कि आगे जो ब्लैडर की प्रॉब्लम है और जो रेक्टम की प्रॉब्लम है वहाँ पर भी रिपेयर किया जाता है। तो यूजुअली ये सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है। कुछ पेशेंट्स जो सर्जरी के लिए फिट नहीं होते हैं उनके अंदर पेसरीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले के ज़माने में पेसरीज बहुत कॉमनली यूज़ करते थे, आजकल पेसरीज का यूज़ कम कर दिया गया है, क्योंकि पेसरी से इन्फेक्शन होने का जो रिस्क होता है वह थोड़ा अधिक रहता है। कभी कभी महिलाएं हमसे पूछती हैं कि कोई बात नहीं, हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा खिसका है चलेगा, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इससे? इससे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लॉन्ग रन में, जब बच्चेदानी खिसकती है तो अपने साथ साथ आगे ब्लैडर और पीछे रेक्टम उसको भी थोड़ी थोड़ी नीचे की तरफ खींच लेती है, जिसके कारण कि जैसे मैंने बताया यूरिन में और स्टूल पास करने में दोनों में ही लॉन्ग रन में जो समस्या होती है वह बढ़ती जाती है। दूसरी चीज़, जब बच्चेदानी नीचे खिसक जाती है तो वेजाइनल वॉल्स पर और बच्चेदानी के मुख पर अल्सर्स डेवलप होने का रिस्क रहता है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप एक्सरसाइजेस कीजिए, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम इसकी करेक्टिव सर्जरी करनी पड़ती है। अब क्या आपको इन जनरल रूटीन में ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आपको ये प्रोलैप्स डेवलप ही ना हो, कम होने की संभावना रहे? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो उसके बाद कीगल एक्सरसाइजेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कीगल एक्सरसाइजेस करेंगी तो लॉन्ग रन में जो ये प्रोलैप्स डेवलप होने की संभावना है ये थोड़ी कम की साइड में रहेगी। अगर आपको लंबी खांसी या लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कीजिए, उसका ट्रीटमेंट ज़रूर से लीजिए, क्योंकि नहीं तो ये लॉन्ग रन में आपको प्रोलैप्स दे सकता है।
आइडियल वेट मेंटेन कीजिए। अगर वज़न ज़्यादा होगा तो भी ये होने की संभावना दिख रहेगी, इसलिए आइडियल वज़न मेंटेन करना, एक्सरसाइज रेगुलर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका कि आप ध्यान रखिए। डाइट के अंदर फ्रूट्स का इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखिए, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है और उससे भी यह प्रोलैप्स कुछ हद तक प्रिवेंट होता है। तो आपको इन चीज़ों का रेगुलर बेसिस पे थोड़ा ध्यान रखना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बच्चेदानी के नीचे खिसकने की समस्या फेस करने की जो पॉसिबिलिटी है वह थोड़ी कम की साइड में रहेगी। अगर आपको इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।